बीजेपी आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी को अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर पूरी तरीके से घेरती हुई नजर आ रही है, सदन से लेकर सड़क तक। और अधीर रंजन चौधरी ने वो जो विवादित बयान दिया था ना, वो जो विवादित टिप्पणी की थी, वो हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता से बातचीत करते हुए ही अधीर रंजन चौधरी का वो बयान सामने आया था। हम वो बयान आपको सुना भी रहे हैं और इस वक्त अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंकित, रविकांत को जो सफाई देते हुए नजर आ रहे थे अधीर रंजन चौधरी, उसमें उन्होंने आपका जिक्र भी किया कि कल वो पत्रकार को ढूंढ भी रहे थे तो कल आपको खोज नहीं पाए, लेकिन जो बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि साहब जबान फिसल गई, गलती हो गई, चूक हो गई, ऐसा कुछ बयान में तो नजर नहीं आया। हम दर्शकों को बयान दिखा रहे हैं, आपने तो टोकने की भी बात की, आपने कहा राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए वही बेहतर है। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, मैं पूरा सीक्वेंस बताना चाहूंगा। जब मैंने अधीर रंजन चौधरी से वो सवाल पूछा तो मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल ये था कि देखिए, एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन जाने की बात कर रहे थे तो क्या आज भी आप लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे। मेरा सवाल सीधा था, जिस पर उन्होंने पहले तो दो बार राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने उस शब्द को बदलते हुए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी दो बार, और इसी वजह से मैंने उनको टोका भी। और उसके बाद में मुझे लगा कि वो राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा वो मैंने सवाल भी वहां से बदला था और फिर मैंने राहुल गांधी को लेकर अगला सवाल पूछा। लेकिन इस सबके बीच में अधीर रंजन चौधरी का भी जो बयान हमारे सहयोगी रविकांत ने जो उनसे सवाल पूछा, उन्होंने ये कहा कि वो मुझे वहां पर ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस दौरान अधीर रंजन चौधरी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब ये बयान दिया उसके बाद भी 10 से 15 मिनट तक मैं अधीर रंजन चौधरी के पास में खड़ा था। हमसे बात करने के बाद में वो तमाम जो वहां पर मीडिया सहयोगी हमारे अलग अलग जो चैनलों के लोग थे उनके पास में गए, उनसे भी उन्होंने एक कॉमन बाइट यानी कि सबको जो एक तरीके से अपना जो बयान दिया था, लेकिन उसमें इस बात का तो जिक्र नहीं किया था। लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ना कि गलती हो गई, तो मैंने उसको वहां करेक्ट करने की उनसे कोशिश भी की थी कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी के जो तमाम नेता इस वक्त जो है लगातार अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर हैं, उनमें से कुछ नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अगर अधीर रंजन चौधरी ने पहले राष्ट्रपति नहीं बोला होता तो समझा जा सकता था कि देखिए उनकी जो हिंदी अच्छी नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो पहले राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और बाद में जानबूझकर जिस तरीके से उन्होंने दो तीन बार जो है पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, वो ये दिखाता है कि उनकी मंशा क्या थी, यानी कि अब मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। और रही बात कि अधीर रंजन चौधरी से अगर गलती से हो गई थी, वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो अगर हम जो है अपने, क्योंकि वहां पर हम उसके जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था ना, जहां पर तमाम जो ये सांसद बैठे हुए थे, मैं लगातार जब तक उनको बसेस में भर के ले नहीं गई पुलिस, तब तक मैं वहीं पर मौजूद था और लगातार हमारी लाइव कवरेज जारी थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि देखिए ब्रॉडकास्ट ना किया जाए, गलती हो गई, लेकिन रोमाना मैं ये भी बताना चाहूंगा, उस दौरान हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जो है स्टूडियो में मौजूद थे और मैं वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तो अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया वो लाइव जा रहा था, उसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी, किसी तरीके से एडिट नहीं हो सकता था, और इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी को मैंने लाइव में ही उस दौरान, लाइव जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी से मैं सवाल जवाब कर रहा था और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही मैंने उनको जो है ये इस बात पर टोका भी कि देखिए राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च पद है और वो एक ऑफिस है और उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुझे लग रहा था कि अधीर रंजन चौधरी संभवतः हो सकता है फिर इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करें, तो मैंने वहां से वो सवाल भी अपना जो रोका और दूसरे सवाल पर उनसे राहुल गांधी को लेकर के अगला सवाल भी पूछा। तो ये कहना कि अधीर रंजन चौधरी मुझे ढूंढ नहीं पाए या उनसे गलती हो गई, तो इसी वजह से अब जो है सत्ता पक्ष हमलावर है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अंकित आपके पास। मुझे लगता है कि कल का जो आपका बयान है वो दर्शकों को हमने सुनाया और आज जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं ना कि आज जब अधीर रंजन चौधरी मीडिया के सामने आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं साहब मैं तो उस पत्रकार को ढूंढ रहा था, किस तरीके से अपनी बात को एक चूक वो करार दे रहे हैं, जबान फिसलना वो करार दे रहे हैं। सुना देते हैं आज जो सफाई दे रहे हैं वो, कुछ देर पहले जो उन्होंने रविकांत से बातचीत की है, जरा वो सुना देते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी अंकित। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर, आपने दादा को कहा दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर, कम से कम ये बात आई। बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकल चुकी, उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की, उनको कहे देखिए भाई ये बात को मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी मांग पाना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। फिर से आपको लिए चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, जो बात कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी कि मैंने पत्रकार को ढूंढने की कोशिश की कि भाई तुम ये मत दिखाना, लेकिन आपने उस बारे में सफाई यहां पर दे दी है कि साहब ये तो एक लाइव
प्रोसीडिंग्स थी, एक तरीके से हम सीधा प्रसारण दिखा रहे थे दर्शकों को और इसमें किसी तरीके की काट-छाट तो हमने नहीं की। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि साहब जबान फिसल गई, चूक हो गई, तो अगर जबान फिसलती है या बेध्यानी में इंसान कुछ बोल रहा होता है और उसे टोका जाए तो वो फौरन करेक्ट कर लेता है, और आपने तो ये काम किया, आपने तो उन्हें एहसास भी कराया कि किस तरीके से महामहिम के लिए वो जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये संसदीय शब्द नहीं है, ये सही शब्द नहीं है, ये महामहिम की मर्यादा को एक तरीके से ठेस पहुंचाने वाला शब्द है। जरा सुनाते हैं किस तरीके से अंकित गुप्ता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कह रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूज अ सेल्फ मेड वुमन comes from a tribal background, all India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. I think it's a deliberate insult because the Congress party is frustrated. In the name of supporting Sonia Gandhi, they were protesting, but inside they were saying we are asking for a discussion on price-related matters. The family and the dynasty is the only thing for Congress party, and they don't care about anyone. This is not a slip of the tongue. And heading a party, a lady, she cannot afford to have the leader of the opposition of her party speaking ill of the Rashtrapati. She should come out. Srimati Sonia Gandhi should come out and apologize to the president and to the country. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, आपने सुना साफ तौर पर निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जानबूझकर अपमान किया गया है महामहिम द्रौपदी मुर्मू का, सोनिया गांधी महामहिम से माफी मांगे, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी और महिला विरोधी। अब एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता का रुख करेंगे और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जानकारी सामने निकल कर आ रही है, अधीर रंजन के बयान पर बोली सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, यह बयान सामने आया है सोनिया गांधी का। तो सोनिया गांधी से जो माफी की मांग की जा रही है उस पर प्रतिक्रिया सोनिया गांधी की सामने आ चुकी है। सोनिया गांधी कह रही है अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर सीधे कटघरे में सोनिया गांधी को खड़ा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से माफी मांगने की मांग सोनिया गांधी से की जा रही है कि सोनिया गांधी महामहिम से माफी मांगे, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, और अब सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया, अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके। मैम, विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज? ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज। मैम, विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज? ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज। मैम, विल यू आस्क अधीर दैट टू अपोलोजाइज? तो आपने सोनिया गांधी को सुना, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि मैम क्या आप अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की बात कहेंगी, सोनिया गांधी ने रुक कर पलट कर कहा कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। और इस बीच अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर सफाई दी अपने बयान को लेकर, जरा वो भी सुनिए। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर, आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर, कम से कम ये बोल बात दिया, बोल दिया सर। एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकलती थी, उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की, उनको कह दे कि भाई ये बात को मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं? मैं तो प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अधीर रंजन चौधरी एबीपी न्यूज पर आज जब सफाई दे रहे थे तो कह रहे थे कि मैंने पत्रकार को ढूंढने की कोशिश की, गलती से बोल दिया था, चूक हो गई है, इस तरीके की बात अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आज कही जा रही है। लेकिन कल अधीर रंजन चौधरी का वो बयान जो उन्होंने
एबीपी न्यूज के पत्रकार अंकित गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, आज अपनी सफाई में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं आपको ढूंढ रहे थे वो, क्योंकि आप ही से बात करते हुए उन्होंने वो बयान दिया था, और आप बता रहे हैं किस तरीके से आप तो उनके बयान के बाद भी काफी देर तक वहीं पर रुके हुए थे। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बतौर पत्रकार अंकित गुप्ता आप अपना फर्ज निभा रहे थे, आपने एहसास कराने की कोशिश भी की अधीर रंजन चौधरी को कि अगर उनकी जबान फिसल गई होगी या अगर बेध्यानी में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया होगा, बंगाल से वो आते हैं, अगर हिंदी की कम समझ के चलते उन्होंने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया हो तो वो उसको करेक्ट कर ले, क्योंकि सब कुछ लाइव चल रहा था। कल ये बयान लाइव कवरेज के दौरान एबीपी न्यूज पर देखा दर्शकों ने। तो कुल मिलाकर आपके टोकने के बावजूद अधीर रंजन अपनी बात पर कायम रहे, इससे लगता तो नहीं कि गलती या बेध्यानी में उन्होंने ये बयान दिया हो अंकित गुप्ता? देखिए, और सत्ता पक्ष भी इसी बात को लेकर के हमलावर है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के कई जो बड़े नेता हैं उनसे जब हमारी जो बात हो रही थी अधीर रंजन के इस बयान को लेकर के, जो वो लगातार बता रहे थे कि देखिए हम लोग जो है उनसे माफी मांगने की बात करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए अगर आपने उनको वहां टोका नहीं होता तो हम ये भी मान लेते कि उनसे गलती हुई, लेकिन वहां पर एज अ पत्रकार आपने उनको टोका, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने माफी नहीं मांगी। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी की तरफ से हमलावर है नेता ना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान की जो शुरुआत की है वो राष्ट्रपति शब्द से ही की है। दो बार उन्होंने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद जानबूझकर बीजेपी लगातार हमलावर इस चीज को लेकर के है कि जानबूझकर इस तरीके से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया, और जब यानी कि मेरा जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि आपने जब रोका भी उनको उसके बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। और रही बात अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं ना रोमाना, हमारे पास में पूरी लाइव फुटेज है, क्योंकि उस दौरान हम लाइव बुलेटिन पे थे और लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही थी पूरा घटनाक्रम दिखा रहे थे। तो जब अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान दिया उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अधीर रंजन चौधरी मेरे बोलना सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के, और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। किस तरह की सजा आपको चाहिए? पनिशमेंट होनी चाहिए, हम सजा डिसाइड करने वाले नहीं है, लेकिन इसका जो भी कानून सम्मत सजा होनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को अपने किए की पनिशमेंट होनी चाहिए। तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान दिया गया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सीधे सीधे ये मामला महामहिम के अपमान से जुड़ा हुआ। इस बीच वो बयान अधीर रंजन चौधरी का जिसको लेकर ये पूरा विवाद इस वक्त गर्म हो चला है, सुनाते हैं। नहीं, राष्ट्रपति जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दास, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपति जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दास, तो ये बयान आप अधीर रंजन चौधरी का सुन रहे हैं, ये कल वाला बयान है अधीर रंजन चौधरी का, और ये आपको सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बयान को सुनकर आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि जो आज दलील अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दी जा रही है वो कहीं टिकती नहीं है, कि गलती से बेध्यानी में जबान फिसल गई, चूक हो गई। बनी है तो ये मुझे लगता है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, ये जहां पर भारतीय जनता पार्टी या पूरा देश आज महिलाओं के सम्मान के हक के लिए लड़ रहा है, वहीं पर विपक्ष इस देश की प्रथम महिला नागरिक को अपमानित करने का कार्य कर रहा है। तो निश्चित तौर पर महिला के साथ साथ ये पूरा हिंदुस्तान
इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और महिला राष्ट्रपति के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रपति जी पर टिप्पणी करना यानी हर एक महिला पर टिप्पणी करना है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अधीर रंजन चौधरी ने जो जिस तरह की टिप्पणी की है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब आगे क्या रणनीति और किस तरह की मांग आप? इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना शॉकिंग है ये कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के दल के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और वो इस प्रकार का शब्द महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए करें, बहुत ही शर्मनाक शब्द है। ये राष्ट्रपति पद का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये कुल मिलाकर के सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका अपमान है। और सोनिया जी उनकी लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन जी का अपराध तो बहुत बड़ा है, यानी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ये संसद तय करे, और सोनिया जी खुद बताएं कि क्या किया जाए। इस प्रकार के शब्द जो उन्होंने बोला है, खुद सोनिया जी महिला है, जो शब्द बोला गया है यानी उसको बोलना भी संभव और उचित नहीं है। तो अधीर रंजन जी की जो ये गलती है, ये या तो उनकी निराशा संपूर्ण पार्टी की दर्शाती है, ये कुंठा दर्शाती है। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सर, उसी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अधीर रंजन के साथ थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है और हो सकता है कि उसी वजह से, भाषा की दिक्कत की वजह से ये शब्द निकला हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अधीर रंजन जी इतने बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो, और शब्दों को अच्छी तरह जानते हैं। और यदि ऐसा है तो जरा उसके संबंध में सोनिया जी सफाई दें, माफी मांगे, और उसके विषय में जैसा मैंने कहा, संसद भी फैसला करे कि इस प्रकार के शब्द बोलने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या निर्णय किया जाए। तो बीजेपी सांसदों का आज ये प्रदर्शन संसद परिसर में, आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी आज बीजेपी सांसदों की तरफ से की जा रही है। कल तक विपक्ष के सांसद जो सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर के साथ नारेबाजी करते हुए सदन में नजर आ रहे थे, आज तस्वीर बदल गई है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद सत्ता पक्ष जो है आज वो आक्रामक तेवर के साथ नारेबाजी कर रही है। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं वो विवादित बयान अधीर रंजन चौधरी का। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो यही वो बयान है जिसको लेकर पूरा विवाद है। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द जिसका इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से किया गया कल, दरअसल विपक्ष पिछले दो दिन से इस कोशिश में था कि राष्ट्रपति भवन तक वो पैदल मार्च करें और राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन सौंपा जाए। उसी को लेकर जब कल लाइव कवरेज के दौरान हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने एक सवाल पूछा तो सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनके बोल बिगड़ गए। उनकी तरफ से कहा गया कि देश की जो राष्ट्रपत्नी जी हैं वो सबके लिए हैं। हालांकि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो ये इंटरव्यू ले रहे थे उनकी तरफ से टोका भी गया अधीर दा को। उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए अगर राष्ट्रपति शब्द का ही इस्तेमाल किया जाए तो वही सही है, लेकिन बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी ही दोहराते हुए नजर आए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।